हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के राउरकेला स्टील प्लांट यानी कि RSP 2022 पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ACTT 2022 फीटर और मशीनिस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉवेल पिन एक फास्टनर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अस्थाई फास्टनर है। और ये जो प्रश्न है वो 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे डॉवेल पिन को गाइड पिन भी कहते हैं। अगला है, यह अधिकतम कटिंग डाइयो में प्रयोग की जाती है। इसके द्वारा सीट को नियत स्थान के लिए गाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तिरछी सतह ऐसी सतह होती है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि HP VP और PP से आनत होती है। अब देख लेते हैं HP का मतलब क्या होता है, तो हॉरिजेंटल प्लेन होता है। VP का मतलब क्या होता है, तो वर्टिकल प्लेन होता है। PP का मतलब क्या होता है, तो प्रोफाइल प्लेन होता है। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल फीटर 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे HP VP तथा PP तीनों ही एक दूसरे से लंबवत तल हैं। अगला इसका पॉइंट है, HP पर अनुविक्षेप प्लेन, VP पर उत्सेध एलिवेशन तथा PP पर पास से दृश्य यानी कि साइड व्यू प्राप्त होता है। अगला इसका पॉइंट है, तिरछी या विषम सतह इन तीनों में यानी कि HP VP तथा PP में किसी से भी झुका हुआ एक सतह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉटर संधि किसे संचारित करने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अक्षीय तनन अथवा संपीड़न भार। अब देख लेते हैं ये कौन से एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कॉटर जोर की सहायता से दो छड़े एक ही अक्ष पर दृढ़ता पूर्वक जोड़ी जा सकती है। अगला इसका पॉइंट है, यह जोर संपीड़न तथा तनाव दोनों ही प्रकार के भारों को सहन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला इसका पॉइंट है, इसके तीन मुख्य भाग हैं, कौन कौन से है? एक है कॉटर, दूसरा है सॉकेट, तीसरा है स्पीगार्ड। अगला इसका पॉइंट है, भाप इंजन के पिस्टन रॉड तथा क्रॉस हेड जोर उत्केंद्र रॉड को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ने आदि में यह जोर प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, आइसोमेट्रिक दृश्य दिखाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जॉब की तीन भुजाएं दिखाता है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सममितीय दृश्य में वस्तु या जॉब की तीनों भुजाओं या बीमाओं को एक ही दृश्य में दिखाया जाता है। इसकी संदर्भ रेखाएँ आपस में
120 डिग्री पर होती है, जबकि क्षैतिज से 30 डिग्री पर आनत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोई भी वस्तु जिसे ऊर्ध्वाधर समतल यानी कि VP के पीछे और क्षैतिज समतल यानी कि HP यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे रखा जाता है, वह निम्न में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब देख लेते हैं कि ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर तल यानी कि VP के पीछे तथा क्षैतिज तल यानी कि HP के नीचे स्थित हो तो वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तापमान नियत रहता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक निम्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तांबे की तार। अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया प्रश्न है। तो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक तांबा और एल्युमिनियम होता है। इससे अधिक चांदी में सुचालकता गुण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेक्सा फ्रेम ब्लेड को कौन से नट में कसा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विंग नट में कसा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वह प्रश्न है। यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं, विंग नट का फिगर दिया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे हेक्सा फ्रेम ब्लेड को विंग नट या फ्लाई नट यानी कि जो विंग जो नट है उसे फ्लाई नट भी कहते हैं, इससे कसा जाता है। यह नट हाथ से भी आसानी से खोले या कसे जाते हैं। इस नट पर दाब डालने के लिए उसमें दो विंग लगे होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर विंग लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है। फिगर से क्लियर हो जा रहा होगा, इसलिए इसे विंग नट भी कहते हैं। ये फ्रेम है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो लगा हुआ यही क्या है, तो विंग नट लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्लग कॉक का प्रयोग हो करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाई प्रेशर के बहाव के लिए करते हैं। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्लग कॉक का प्रयोग हाई प्रेशर के बहाव के लिए करते हैं। बहाव को रोकने या जाने देने के लिए इसकी बॉडी में एक समांतर टेपर या गोलाकार प्लग लगा रहता है या लगा होता है। यह पाइप के क्षेत्रफल के बराबर होल में फिट रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल के लिए। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नीडल वाल्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाल्व में पानी के बहाव को रोकने, नियंत्रित करने या चलाने के लिए सुई यानी कि नीडल लगी होती है, इसलिए इसे नीडल वाल्व कहा जाता है। इस वाल्व का आकार ग्लोब वाल्व के समान होता है। इससे सूक्ष्म से सूक्ष्म बहाव भी नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें स्लीप नाम मात्र की नहीं होती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चेन ड्राइव बेल्ट ड्राइव की अपेक्षा अच्छा होता है क्योंकि इसमें चेन ड्राइव यानी कि चेन ड्राइव में स्लिप जो है यानी कि फिसलन नाम मात्र की नहीं होती। अगला है चेन चालन के लाभ यानी कि एडवांटेज ऑफ चेन ड्राइव, कौन कौन सा इसका एडवांटेज यानी कि लाभ इसका कौन कौन सा है, तो एक है चेन ड्राइव झटके सहन कर सकता है। अगला है चेन ड्राइव सघन यानी कि कॉम्पैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉप फोर्जन में फोर्जन इनमें से किसे गिराकर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उच्च वेग पर डाई सहित हथौड़े को गिराकर। अब देख लेते हैं ये कौन से ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो ये 2019 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ड्रॉप फोर्जिंग में, ड्रॉप फोर्जिंग प्रक्रिया में निचली डाई को एनविल यानी कि निहाई में पकड़ा जाता है, इसी पर कारखंड रखी जाती है, तथा ऊपरी डाई को हैमर के साथ उच्च वेग से प्रहार किया जाता है जिससे डाई में बने वांछित आकृति को कारखंड ग्रहण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हैमर बाजार में मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेस के प्रकार व भार के अनुसार। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे हैमर प्राय कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, इसके फेस और पिन को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है, हैमर बाजार में फेस के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं। अगला इसका पॉइंट है हैमर के जो मुख्य जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसके नाम को देख लेते हैं। जैसे एक होता है पिन होता है, एक फेस होता है, एक आई होल होता है, एक हेड होता है, एक हैंडल होता है, एक वेज होता है। ये सभी जो दिए गए हैं वो हैमर के मुख्य पार्ट्स के नाम दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के इंडेटर का कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 120 डिग्री होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन के इंडेटर का जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। रॉकवेल विधि में धातु को हार्डनेस चेक करने के लिए चेक करने वाले टूल के जो पॉइंटर होता है उस पर डायमंड कोण लगा होता है, इसके द्वारा हार्ड स्टील की हार्डनेस चेक की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डायल कैलिपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं, यानी कि जो डायल जो कैलिपर है उसका बताना जो लिस्ट काउंट होता है वो किस लिस्ट काउंट पर वो नहीं मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.1 mm के लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं डायल कैलिपर। और ये जो प्रश्न है 2009 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। जैसे डायल कैलिपर 0.01 mm, 0.02 mm, 0.005 mm के अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट में मिलते हैं, परंतु कभी भी 0.1 mm के अल्पतमांक में नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्ममापी यंत्रों में कौन सा नट प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थंब नट प्रयोग होता है। और ये जो प्रश्न है 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सूक्ष्म मापी यंत्रों में जो थंब जो नट है वो प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्नियर कैलिपर से क्या मापा जाता है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त कोई नहीं। अब देख लेते हैं क्या मापा जाता है। उसके पहले देख लेते हैं कि ये कौन से ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो 2013 में पूछा गया वो ये प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी, अंदरूनी और गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अल्पतमांक में अंतर होता है। और ये जो प्रश्न है 2012 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में मुख्य अंतर यह है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो 0.02 mm होता है, तथा माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.01 mm होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फ्लेम कटिंग में टॉर्च हेड का कोण क्या होता है या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 75 डिग्री। और ये जो प्रश्न है 2017 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लेम कटिंग में टॉर्च हेड का जो कोण होता है वो 75 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ब्रेजिंग का जोड़ कितने डिग्री पर खुल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुल जाता है। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ब्रेजिंग का जोड़ 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर खुल जाता है, इसमें फ्लक्स के रूप में सुहागा यानी कि बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग में फिलर धातु ब्रास प्रयोग की जाती है, इसे हार्ड शोल्डर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेटेड रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को खजाना वाला वीडियो देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, वो सभी एग्जामों के लिए है। 2 से 3 मिनट के आसपास का वीडियो होगा जहाँ से आपके हर एक एग्जाम में 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे, इसलिए इस वाले वीडियो को आप भी देख सकते हैं। यानी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप इस वाले वीडियो को बिल्कुल देख कर ही जाएँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।